तुम जो तसल्लियाँ दिए जा रहे हो मुझे फौरी तौर पर 10 लाख रुपए चाहिए। आप मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे दे वरना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये बैंक वाले जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती है इन पर कितने चार्जेस काटते हैं आपको पता है? ना मालिक है, तुम मुझे कैश ही दे दो। असल मकसद पैसा लूटना नहीं था, उनकी जान लेना था। जिस मकसद से हम कराची आए थे वो तो सारा हो गया चौपट। रुको! जिस इंसान ने मौसम पर हमला किया है अपनी पिस्टल से उसी इंसान ने मजीद का भी कत्ल किया होगा। अरे क्या हाल है मोहसिन भैया? अरे मजीद भाई, और सुनाइए आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? अरे भैया शुगर के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर रखा है, अब तो डॉक्टर हर चीज हम पर हराम कर दी है डॉक्टर ने। अरे तुम बताओ रकम तैयार है ना? अरे भाई वो वसीम इंतजार कर रहा होगा, उसे साइप्रस में यूनिवर्सिटी में पैसे जमा करवाने हैं। अरे मजीद भाई कैसी बात कर रहे हैं, वो आपकी अमानत है, जब चाहे आप ले लें। वसीम तुम कर क्या रहे हो, तुमने अब तक पैसों का इंतजाम नहीं करा है। क्या हो गया रक्षी, मैंने अब्बू को पूरी तरह शीशे में उतार लिया, मैंने उन्हें कहा है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो मुझे दे देंगे यार, क्या हो गया? प्लीज फिक्र मत करो। कैसा फिक्र ना करूं, तुमसे तसल्लियां दिए जा रहे हो, मुझे फौरी तौर पर 10 लाख रुपए चाहिए वरना हम कभी नहीं खोल सकेंगे मॉडलिंग एजेंसी। एक तो इस बुढ़ापे में अकलौती औलाद को अपने से दूर कर रहे हैं आप, और दूसरा अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे के हवाले कर रहे हैं। क्या करें, अकलौती औलाद है, हमने तो उसे प्यार से भी समझा दिया, डांट के भी समझा दिया, नहीं माना, अब उसकी जिद के आगे मजबूर हो गए हम तो। मैं तो समझता हूँ आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, आपने अपने रिटायरमेंट की सारी जमा पूंजी मेरे स्टोर में इन्वेस्ट कर दिए, मैं भी आपको पाबंदी के साथ 40,000 रुपये मुनाफा दे रहा हूँ हर माह। 20 लाख की सरमायाकारी पे कोई बैंक भी इतना मुनाफा नहीं देता, आजकल दौर बहुत खराब चल रहा है, आपको तो पता ही है, आप अपना बुढ़ापा क्यों खराब कर रहे हैं? हम दोनों ने जिंदगी साथ गुजारनी है, अब एक दूसरे पर एतमाद तो करना पड़ेगा ना, भरोसा रखो तो मैं तुम्हारे पास मिलूंगा। एक मिनट कॉल। तो हम कौन से पूरे पैसे निकाल रहे हैं, 10 लाख रुपए ही तो ले रहे हैं, 10 लाख तुम्हारे पास इन्वेस्ट रहेंगे और तुम 40,000 की बजाय 20,000 मुनाफा दे दिया करना। भाई वो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि पैसे हमें कैश में देना। अरे मजीद भाई दौर बड़ा ख़राब चल रहा है, मुझे भी ना पत्ते की पर्ची आ चुकी है और जीना जपटी भी बहुत हो रही है। हाँ बका चलो ठीक है, तुम तैयार रहो। हाँ मैं निकल लो निकल लो। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लें। यार तुम कह तो ठीक रहे हो मगर ये बैंक वाले जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती है इन पर कितने चार्जेस काटते हैं आपको पता है? ना मालिक है, तुम मुझे कैश ही दे दो यार। अबे बाइक किससे ले आया तू? अरे हाँ अब्बा इतनी मुश्किल से मिली है, पीछे गली में एक दोस्त बनाया था मैंने, उससे मांग कर लेकर आऊँ, वसीम से मांगी थी साफ मना कर दिया उसने, और ऊपर से अब्बा मुझे ताने मारता रहता है कि अच्छा पेंशन लेने के बहाने यहाँ पर आते और 3-3 महीने हमारे घर पे पड़े रहते। अबे ये घर मेरे बाप का है, जितने दिन जाऊँ यहाँ पड़ा रह सकता हूँ। हाँ भावत जिंदा होती तो और बात थी, मरने से पहले तेरे दादा ने कराची वाला मकान तेरे ताए को दिया था और हाला वाला मुझे। अब्बा कहीं ऐसा तो नहीं है मजीद ताया जो आपको 5 लाख देने वाले थे वो कहीं इस घर के हिस्से में से नहीं दे रहे हैं? मैं तो मजीद भाई आपको समझाया लेकिन मैं तो आपकी रकम तैयार ही रखी थी, ये देखें। अरे तो फिर अपने मुबारक हाथों से रख भी दो ना। जी बिल्कुल, ये ना पुराना बैग में इसलिए ले आया था लोगों को। मजीद भाई संभल के जाइएगा, आप बेफिक्र रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मजीद भाई।
बहुत शुक्रिया। अपने बाप को चुका समझ रखा है बेटा। ये मकान जो है ना करोड़ों का है, तू क्या समझता है? 10-20 लाख में भी मान जाऊंगा? अच्छा चल अब जरा इसको जल्दी चला, आज मैं ये कहानी खत्म करके ही रहूंगा। अरे अब्बा बस 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। रास्ते से दूसरा हेलमेट भी लेना है, वो कराची में पकड़ पकड़ चल दिया। हाँ पान वाले से ले लेंगे, उसके बाद रहता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब अदालत को बताइएगा कि किन शवाहिद की बुनियाद पर मक्तूल अब्दुल मजीद के बेटे मुलजिम वसीम और इसके साथी मुलजिम वकास को गिरफ्तार किया गया है। सर देखने में तो बाहर ही एक स्ट्रीट क्राइम की आम सी वारदात लग रही थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज का बगौर जायजा लिया तो इंकशाफ हुआ ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात नहीं थी बल्कि टारगेट किलिंग थी। सर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अब्दुल मजीद ने बगैर मजामत के 10 लाख रुपए डकैतों के हवाले कर दिया था, लेकिन वो अपना मकसद पूरा होने के बावजूद 3 गोलियां मार कर गए थे। इसका मतलब है कि असल मकसद पैसा लूटना नहीं था, उनकी जान लेना था। अभी हम ये तफ्तीश कर रहे थे कि ये कौन मुलजमान है, इसका इनका मकसद क्या है। सर इसी दौरान मकतूल के छोटे भाई अब्दुल बसीर मेरे पास थाने में आए थे और उन्होंने मकतूल के बेटे वसीम के खिलाफ अपनी मुदियत में मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर साहब मेरे बड़े भाई अब्दुल मजीद का कातिल कोई और नहीं, मेरा भतीजा वसीम और उसका बदकमाश दोस्त वकास है। सर सिर्फ वसीम को ही मालूम था कि भाई साहब 10 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं और कौन से रास्ते से आ रहे हैं। सर वसीम से बड़े भाई साहब बड़े तंग थे, लेकिन चूँकि इसकी माँ बहुत पहले मर चुकी थी इसलिए वसीम को ख्याल भी बहुत रखते थे इसको माँ की कमी का एहसास ना हो। लेकिन इस बदबख्त ने क्या किया, मेरे बाप जैसे भाई को मुझसे छीन लिया। अरे वो तो इसके झूठ में आ गए थे कि इसको साइप्रस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। उठो, हेलो वसीम, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है अपनी सोबत दुरुस्त करो और अब ये सड़क छाप लड़कों को घर में लेकर आना शुरू कर दिया तुमने। देखिए अंकल आपको गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैंने बीकॉम किया है और मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वेट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम कैसे लड़के हो, अरे पान की दुकान पे खड़े गुटके खाते रहते हो, हमारा दोस्तों के साथ घूमते हो, मुझे समझा दो कैसा लड़का हूँ मैं। आपको गलत फहमी हुई है अंकल। देखिए बुआ वकास की तोहिन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चुप, मान चला रहे मेरे सामने, तुम निकलो यहां से, निकलो। देखिए अब्बू आप मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे दे वरना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसने कोई दाखला नहीं लेना था भारतीय यूनिवर्सिटी में, ये तो एक लड़की एक मॉडल गर्ल रक्षी नाम है उसका उसके चक्कर में था, उसके साथ पार्टनरशिप में मॉडलिंग एजेंसी खोल रहा था। ये 10 लाख रुपए उसने उसी चक्कर में भाई साहब से निकलवाए थे और इस लड़की से शादी करना चाहता था। अगर भाई साहब जिंदा होते तो कभी इसको एक मॉडल से शादी नहीं करने देते। वसीम के मजमूम इरादों की राह में बहुत बड़ी रुकावट थे, इसीलिए उसने उनका कत्ल भी कर दिया। सर मुल्ज़िम वसीम को ही पता था कि अब्दुल मजीद 10 लाख रुपए लेके किस रास्ते से आ रहा है और अब तो
वसीम का मोटिव भी सबके सामने है। वो रक्षी के साथ मिलकर पार्टनरशिप पर मॉडलिंग सेंटर खोलना चाह रहा था, और इसके अलावा उसे शादी भी तो करनी थी, और ये तमाम मकासद बाप की ज़िंदगी में पूरे नहीं हो सकते थे। सर, जब मैंने अब्दुल बशीर के बयान की रोशनी में तफ्तीश की और मॉडल गर्ल रक्षी से मिला, तो अब्दुल बशीर के बयान की एक एक बात की तस्दीक हो गई। इंस्पेक्टर, वसीम ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि वो मॉडलिंग एजेंसी में पार्टनरशिप करेगा और 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन उसके फादर कभी नहीं मानते 10 लाख रुपये देने के लिए, वो भी मॉडलिंग एजेंसी के। तो इसीलिए हमने उसके फादर को बेवकूफ बनाया था कि उसको बाहर की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करनी है। वसीम का आपसे क्या रिश्ता है? वसीम उससे शादी करना चाहता था। और आप? मजीद साहब उसके फादर बहुत इस रिश्ते के खिलाफ थे, वो कभी शादी नहीं होने देते, लेकिन वसीम ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे हर हाल में शादी करूँगा, चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। सर, वारदात के बाद ये अपने दोस्त वकाश के घर रुपोश हो गया था, और इन दोनों की गिरफ्तारी वहीं से अमल में आई है। क्या मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है? सर, अभी इनसे तफ्तीश करनी है, इनसे मसरूका रकम और आला कत्ल भी बरामद करना है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजमान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जी वकील साहब, आप आयु साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, मैं आयु साहब से चंद सवालात करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त? थैंक यू सर। आयु साहब, ये बताइए कि क्या किसी ने इन दोनों जवानों को डकैती और कत्ल की अफसोसनाक वारदात करते हुए देखा? किसी ने इन्हें शनाख्त किया? कोई चश्मदीद गवाह है आपके पास? वकील साहब, वारदात के वक्त इन दोनों ने ब्लैक हेलमेट पहने हुए थे, जाहिर है शनाख्त मुश्किल थी। क्या मेरे मुवक्किलों से आलाए कत्ल यानी वो गन बरामद हुई जिससे अब्दुल मजीद को कत्ल किया गया? अभी तफ्तीश होनी है, गन भी बरामद कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने इन दोनों जवानों को गिरफ्तार किया तो इनके हाथों पर गन पाउडर मिला? इनके कपड़ों से खून के धब्बे मिले? वकील साहब, इनकी गिरफ्तारी एक दिन के बाद अमल में आई थी, और एक दिन बहुत होता है शवाहिद मिटाने के लिए, ये आप भी जानते हैं। ठीक कहते हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि मकतूल अब्दुल मजीद ने अपने बेटे वसीम के लिए ही अपनी इन्वेस्टमेंट में से 10 लाख रुपए निकाले थे, और वो ये 10 लाख रुपए घर लाकर वसीम को ही देने वाले थे, तो फिर इसे ये वारदात करने की क्या ज़रूरत थी? इसे सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं चाहिए थे, बाप की पूरी जायदाद चाहिए थी। आयो साहब, वसीम मकतूल की इकलौती औलाद है, और मकतूल की जायदाद का अब भी इकलौता वारिस है, तो फिर इसे अपने बाप को रास्ते से हटाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मुल्ज़िम वसीम ने हेलमेट पहन के 10 लाख रुपए तो छीन लिए थे, लेकिन हमें शक है कि मकतूल ने इसे फिर भी पहचान लिया था, इसलिए इसने अपने बाप को रास्ते से हटा दिया। योर ऑनर, इस्तगासा ने मफूजे तो बहुत बयान किए, इस्तगासा के पास एक भी ऐसा एविडेंस नहीं जो मेरे क्लाइंट्स को मुलजिम साबित कर सके, और ना ही पुलिस ने आलाए कत्ल बरामद किया है अभी तक, ना ही मेरे क्लाइंट्स के कपड़ों से खून के धब्बे मिले, ना इनके हाथों से गन पाउडर मिला, और ना अभी तक मसरूका रकम मिली, और ना जाने मकतूल के छोटे भाई ने किन मफादात की बिना पर मकतूल के बेटे को इस मुकदमे में नामजद किया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट्स पर से ये बेबुनियाद इल्ज़ाम ख़त्म करके इन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। थैंक यू। मेरे भाई के कातिलों को हरगिज़ माफ़ ना किया जाए। जज साहब, वो मेरा सिर्फ भाई नहीं था, मेरे बाप जैसा था, हमारे खानदान का सरपरस्त था वो। यतीम ये नहीं हुआ, यतीम हम सब हुए हैं, इसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। जज साहब, इस खुदकर्ज बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे फांसी पर लटकाया जाए। जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत के डेकोरम का ख्याल रखा जाए। ये अदालत दोनों मुजरिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। ताज़ीराते पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्त का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है।
देखिए ना तो आला कत्ल बरामद किया आपने मुलजमान से, ना ही कोई चश्मदीद गवाह है, कोई उनकी शनाख्त नहीं कर सकता। अब पहली हेयरिंग में डिफेंस ने जो बातें की हैं उनकी बातों में वजन तो है। अदालत ने रिमांड तो दे दिया है मुलजमान का, लेकिन अगर अगली पेशी पर कोई ठोस शवाहिद नहीं हुए मुलजमान के खिलाफ तो वो तो बरी हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर साहब, वसीम ने अपने बाप से झूठ तो बोला था 10 लाख रुपए के लिए, अगर वो सच बोलता तो उसे ये पैसे नहीं मिलते, और अगर उसके वालिद जिंदा रह जाता तो ये पैसे भी उसे वापस देने पड़ते। उसका मोटिव तो खुलकर सामने आ चुका है, और वैसे भी उसके चचा अब्दुल बसीर की मदियत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसके चचा को उस पर शक है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मोटिव तो मुद्दई बसीर के पास भी था। जिस तरीके से वो कोर्ट में चीखो पुकार कर रहा था, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि वो ड्रामा कर रहा है। बड़ी गर्मी है यार, यहाँ तो हैदराबाद से ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से लाइट भी चली गई, पता नहीं सुधरी कब आएगी। मेरा तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है यार। अरे अब्बा, आपको इसीलिए तो सीढ़ियों पर लाके बिठाया है, क्योंकि हवा चलती। तुझे हवा आ रही होगी, अपना तो दम घुट रहा है। अब्बा एक बात बताओ। क्या? जिस मकसद से हम कराची आए थे वो तो सारा हो गया चौपट, और जायदाद में से एक पैसा हाथ में नहीं आया, और सारी जायदाद हो जाएगी वसीम के नाम, हमें क्या मिलेगा? बेटा तू बड़ा भोला रहा। अरे वसीम पर जो केस बनाया ना, अगर उसे सजाए मौत नहीं हुई तो भी उम्र भर जेल में सड़ेगा। और जहां तक रही जायदाद की बात, ये बेटा मकान अब ये हमारा है, क्योंकि कब्जा सच्चा और दावा झूठा। शहरियार की बात में भी वजन तो है, और अगर आप गौर करें तो मोटिव तो अब्दुल बसीर के पास भी बनता है अपने भाई को कत्ल करने का। अब बसीर और मजीद के वालिद की जो जायदाद है उस पर सारा कब्जा बसीर का हो जाता है भाई के कत्ल होने के बाद, और भतीजा अगर अपने बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में अंदर हो जाए तो फिर तो सिर्फ अब्दुल बसीर ही मालिक रह जाता है इस जायदाद का। जरा पता तो करें अब्दुल बसीर और इसका बेटा वारदात के वक्त कहाँ थे। ठीक है प्रोसिक्यूटर साहब, मैं चेक करवाता हूँ इन दोनों की भी फोन लोकेशन, बसीर की और उसके बेटे की, कि वो कहाँ थे। और हमें रिमांड तो मिल ही गया वकास और वसीम का। वसीम और वकास है इंशाल्लाह मसरूका रकम और आला कत्ल भी बरामद कर लेंगे। जुनेद है ना? कौन? वो जो स्टेट एजेंसी वाला है जिसकी कोने पे दुकान है। वही, मैंने उससे मालूम कर लिया, ये मकान कम अज कम 80,000 रुपये महाना पे चढ़ेगा। 80,000 रुपये? मगर इस मकान को हम कैसे किराए पर चढ़ा सकते हैं? अब ये मकान तेरे दादा के नाम है, इसे किराए पर चढ़ाने का मुझे पूरा हक है। मतलब अब्बा, हम तो 5 लाख ईंटने के चक्कर में आए थे ताया मजीद से, आपने तो पूरी प्लानिंग कर दी, महाना 80,000 रुपये। बेटा बस दुआ कर वसीम को फांसी ही हो। तेरा कहना है कि तू अपने बाप के कत्ल के वक्त वकास के पास था, लेकिन तुम दोनों की फोन लोकेशन बता रही है कि तुम उस वक्त जाए वारदात के आसपास ही थे। सर, मेरे अब्बा भी महल्ले के जनरल स्टोर से पैसे लेके आ रहे थे, और मेरा दोस्त भी महल्ले में ही रहता है सर, और GPS एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है। ये बता, वो 32 बोर पिस्टल का है जिससे तूने अपने बाप पर फायर किया था? सर कौन सी पिस्टल? देखिए सर, मेरा यकीन करें, मैंने तो ये पिस्टल सिर्फ ड्रामों फिल्मों तक देखी है, मुझे तो चलानी तक नहीं आती। सर मेरा यकीन करें, मैंने अपने अब्बा का कत्ल नहीं किया। तू शराफत से नहीं मानेगा तारिक, पूछना जरा अपने तरीके से। तुझे क्या कहा था? आज आखिरी दफा आया हूँ, अगर तूने कल तक 1 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं किया ना तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, समझ गया? कल तक 1 करोड़ रुपए चाहिए, कल चल। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब,
इस लड़के ने तो हमारा खानदान तबाह कर दिया। ननिहाल पर गया है अपने, इसके जो मामू है ना, उसने भी अपने अब्बा को कत्ल किया था, उम्र कैद काट रहा है। अच्छा ये बताएं, इसने कुछ कबूल किया? इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, सख्ती करना पड़ेगी। मुल्ज़िम वसीम से तो तफ्तीश हो रही है, मैं आप लोगों के पास आया था एक मालूमात लेने के लिए। जी पूछिए। ये नौजवान कौन है? ये मेरा बेटा है फैसल साहब, बड़ा ही लायक और फर्माबरदार बेटा है। आप दोनों इसी घर में रहते हैं? जी सर, हम हैदराबाद में रहते हैं। अब्बा को यहाँ बैंक से पेंशन निकलवानी होती है तो कराची आना पड़ता है, तो फिर हम यहीं रुक जाते हैं। दादा का घर है ना हमारे। असल में इंस्पेक्टर साहब, मेहता फूड डिपार्टमेंट में, तो पेंशन निकलवाने के लिए अंगूठे का निशान देना लाजमी होता है, तो हर महीने कराची पेंशन निकलवाने आना पड़ता है। एक बात बताएं, जब मक्कुल मजीद के साथ वारदात हुई थी तो आप दोनों बाप बेटा कहाँ थे? हम बेटा कहाँ थे वो? सर हम कब्रिस्तान गए हुए थे, हमारे दादा की कब्र है वहाँ पर। हाँ याद आ गया, अब्बा की कब्र पे थे। मैं बाइक चलाना आती है? सर मुझे बाइक क्या, मुझे तो साइकिल तक चलाना नहीं आती। आप क्यों पूछ रहे हैं? कत्ल और डकैती का केस है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत है। अच्छा चाय पी जाते तो अच्छा था, बन ही जाती। चले, बहुत शुक्रिया। नवाज अरे अब्बा, कहीं पुलिस वाले को हम पर शक तो नहीं हो गया? चुप कर, बदफाल मुझे नहीं निकाला कर। वैसे तूने अच्छा किया कि तूने बता दिया कि तुझे बाइक चलाना नहीं आती। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। प्रोसिक्यूटर साहब, अब ये बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट देख रही हैं, इससे तो हमारा केस और कमज़ोर हो गया है। ये रिपोर्ट साबित कर रही है कि अब्दुल मजीद के मर्डर और जो मोहसिन पे कातलाना हमला हुआ था, इन दोनों में एक ही गन यूज हुई है। जी हाँ, देखा है मैंने, 9mm की पिस्टल इस्तेमाल हुई है दोनों वारदातों में। अब इस नई इन्फॉर्मेशन के बाद तो वसीम और वकास का केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त मोहसिन पर हमला किया गया है उस वक्त तो ये दोनों मुलजमान पुलिस की कस्टडी में थे। अब डिफेंस का मौकफ यही होगा कि पहली वारदात में भी ये दोनों मुलविस नहीं थे और हमारे पास कोई ठोस शवाहिद भी नहीं है इनके खिलाफ कि जिस इंसान ने मोहसिन पर हमला किया है अपनी पिस्टल से, उसी इंसान ने मजीद का भी कत्ल किया होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने ये चेक किया कि इससे पहले ये पिस्टल किसी और कत्ल केस में या किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ? हैरानी की बात तो यही है कि मैंने चेक करवाया है, ये पिस्टल सिर्फ इन दो वारदातों में इस्तेमाल हुई। अजीब सी बात है वैसे, 15 दिन के अंदर अंदर एक ही मोहल्ले में दो वारदातें हो जाती हैं, एक कत्ल की और एक कातलाना हमले की। और जिस तरह से अब्दुल मजीद के केस को मीडिया में भी हाईलाइट किया जा रहा है, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल भी होता तो वो अंडरग्राउंड हो जाता कुछ दिनों के लिए। इतनी ढिठाई कोई क्रिमिनल कैसे दिखा सकता है कि एक केस मीडिया पर हाईलाइट हो रहा है, अदालत में मुकदमा चल रहा है और उसी मोहल्ले में जाकर उसी पिस्टल के साथ एक और वारदात कर दे। ये तो आम भत्ताखोरी की भी वारदात नहीं लग रही। मुहिमा क्या है? मोहसिन से आपने बातचीत की है कि उसको किस पर शक है, कौन उसे धमकियां दे रहा था,
वो कुछ हमें बता सकते? मोहसिन से कांटेक्ट करने की मैंने बहुत कोशिश की है, मोहसिन का सेलफोन भी बंद है, वारदात के बाद से शॉप भी बंद है, बंदे भिजवाए हैं उसके घर पे। सर मैं इस वक्त दुकानदार मोहसिन के घर के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ है। ये मेरे साथ एक मल्ले का बंदा खड़ा हुआ है जो बता रहा है कि उसके बीवी बच्चे यहाँ पे रहते थे, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे नहीं है। घर पे भी ताला है, कहीं रिपोश हो गया है वो भत्ताखोरों के डर से। मोहसिन ने वैसे पुलिस में FIR कटवाई थी कि उसे भत्ताखोरों की धमकियाँ आ रही हैं। डरते हैं मैडम, ये भत्ताखोर इतना टेरिफाइड कर देते हैं कि बंदा पुलिस के पास जाने की सोचता तक नहीं। सही कह रहे हैं, मोहसिन मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आया। अच्छा, मोहसिन के साथ उसका एक हेल्पर भी होता था ना उस जनरल स्टोर पे, क्या नाम था? जमील। जमील, उससे पूछगछ करें, उसको मालूम होगा किस नंबर से कॉल आ रही थी भत्ताखोरों की। भत्ताखोरों ने अगर कोई रिटर्न पर्चियां फेंकी थी उनकी दुकान पे तो वो मिल सकती हैं उससे, उससे तफसील मिल सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि जमील भी वारदात के बाद से गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए, वो भी रिपोर्ट हो गया है, जबकि धमकियाँ तो मोहसिन को मिल रही थी, गायब जमील भी हो गया। ये अजीब सी बात है, जमील क्यों रूपोश हुआ? वैसे जमील को पता था कि उस रोज़ दुकान में 10 लाख रुपए की रकम मौजूद है, अब्दुल मजीद ने वो रकम लेने आना है, और कहीं मोहसिन को भी ये धमकियाँ जमील ही तो नहीं देता रहा? ज़रा जमील का सेलफोन रिकॉर्ड निकलवाइए, इसकी आखिरी सेलफोन लोकेशन भी निकलवाएं, और मोहसिन की भी, मालूम हो कि इस बेचारे के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो आखिरी लोकेशन क्या थी। यार वसीम, तूने एक थर्ड क्लास मॉडल के चक्कर के अंदर अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। हम पे इल्जाम इतने संगीन बन गए कि बचना नामुमकिन लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं यार, किस्मत में लेखे को कौन टाल सकता है। हम ना कबीर को जानते हैं, तू बहुत बड़ी वकील है, मैंने सुना है अपने कैरियर के अंदर 98% केस जीती है। यार एक बात तो बता मुझे, तुझे रक्षी में ऐसा क्या नजर आया जो तूने अपने अब्बा से भी इतना बड़ा झूठ बोल दिया? इश्क, इश्क बहुत कुछ करवा देता है, तूने आज तक किया नहीं है ना, इसलिए तुझे कुछ मालूम नहीं है। ये फजूल हरकत है सब कुछ, तू ये भूल रहा है रक्षी के बयान से हम दोनों के ऊपर केस मजबूत बन गया है। अगर वो तुझसे मोहब्बत वगैरह करती होती तो तुझे बचाने की कोशिश करती ना, ना के फंसाने की। मेरी आंखें अब खुल गई, बस एक बार मुझे यहां से बाहर निकलने दे, सारे हिसाब किताब रक्षी से बराबर कर दूंगा मैं। अब समझ आ रही है तुझे? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स का जिस्मानी रिमांड पूरा हो चुका है, लेकिन पुलिस को मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वसीम और वकास पर इल्ज़ाम ही बेबुनियाद है। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट्स को अदम सबूत के बिना पर रिहा किया जाए। थैंक यू। इस्तगासा का बरियत की दरख्वास्त पर क्या मौकिफ है? योर ऑनर, इस्तगासा को मुलजमान की बरियत पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अब्दुल मजीद के साथ होने वाली वारदात में जो असली मुजरिमान हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। योर ऑनर, पिछले दिनों उसी जनरल स्टोर पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया जिस जनरल स्टोर में मकतूल ने अपनी रकम इन्वेस्ट की थी और 10 लाख रुपये वहाँ से वापस लेकर निकला था। योर ऑनर, पुलिस को उस जनरल स्टोर से हमले में इस्तेमाल की जाने वाली बुलेट्स के शेल्स मिले, और जब बैलिस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि इस हमले में भी वही पिस्टल इस्तेमाल की गई जिस पिस्टल से मकतूल अब्दुल मजीद का कत्ल हुआ था। योर ऑनर, बैलिस्टिक टेस्ट की इस रिपोर्ट के बाद इस्तगासा और पुलिस को मुलजमान पर शक नहीं रहा। पुलिस और इस्तगासा की मालूमात में ये बात आई कि जनरल स्टोर के मालिक मोहसिन को भत्ते की पर्चियाँ मौसूल हो रही थी। अब पुलिस इस मफरूजे पर काम करने लगी कि जिस गिरोह ने मोहसिन की दुकान पर हमला किया, क्या वही गिरोह अब्दुल मजीद के कत्ल में भी मुलव्वस था। योर ऑनर, ये जानने के लिए कि मोहसिन की दुकान पर किन लोगों ने हमला किया, मोहसिन से तफ्तीश करना बहुत जरूरी थी कि मोहसिन को किन लोगों पर शक है।
लेकिन योर ऑनर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को बताया कि जिस रोज से मोहसिन की दुकान पर हमला हुआ, मोहसिन को दिल का दौरा पड़ा और वो उस रोज से लापता है। मोहसिन की दुकान भी बंद थी और घर पर भी ताला लगा हुआ था। पुलिस ने मोहसिन के सेलफोन की लोकेशन ट्रेस करवाई तो मालूम हुआ कि उसकी आखिरी सेलफोन लोकेशन सक्खर में पाई गई। सक्खर पुलिस की मदद से हमने मोहसिन को लोकेट किया और जब मोहसिन से बातचीत की गई तो इस वारदात की गुत्थी सुलझ गई। योर ऑनर, मोहसिन और उसके साथी जमील ने पुलिस के सामने क्या बयान दिया? मैं चाहूंगी कि अदालत के सामने उन दोनों को पेश करूं और वो बयान अदालत के सामने कलमबंद करवाएं। मुल्जिमान को पेश किया जाए। सेक्शन 164 के तहत तुम दोनों का बयान मेरे सामने है। ये बताओ, तुम दोनों ने ये बयान रजाकाराना तौर पर दिया है? आप भागने का तो कोई फायदा नहीं है, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर। तुम दोनों ने अब्दुल मजीद के खिलाफ कत्ल और डकैती की वारदात क्यों की? जज साहब, मेरे जनरल स्टोर में सिर्फ मजीद भाई की नहीं और भी दूसरे लोगों की सरमायाकारी लगी हुई थी। मैं इन सब लोगों के पैसे लेकर दुबई फरार होने का प्लान कर चुका था कि अचानक मजीद भाई मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अपने बेटे के लिए। जज साहब, मैं 10 लाख रुपए नहीं देना चाहता था। फिर मैंने जमील के साथ प्लान बनाया। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। आ गया तू जमील, बैठ। खैरियत तो है मोहसिन भाई? आपको मालूम है शाम का टाइम होता है, रश का टाइम होता है और यही दुकानदारी का टाइम है और आपने मुझे घर पे बुला लिया। यार वो लड़के हैं ना वहाँ पर, वो संभाल लेंगे सब। तुझे मैंने खास मकसद के लिए बुलाया। मैं समझा नहीं। मुझे 10 लाख का नुकसान बर्दाश्त नहीं है जमील। मैं समझा नहीं मोहसिन भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे वो मजीद भाई है ना, उन्होंने अपने 20 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए मांग लिए हैं और तुझे तो पता है कि वो अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने भी हामी भर ली उनको देने की, लेकिन वो दुकान से जब पैसे लेकर निकलेंगे तो घर नहीं पहुँचने चाहिए। वो जैसे ही दुकान से निकलेंगे हम दोनों उसका पीछा करेंगे बाइक पर और जहाँ मौका मिला हम रकम छीन लेंगे। मोहसिन भाई, वो हम दोनों को पहचान तो नहीं लेंगे? अबे अहमक, हम दोनों को हेलमेट पहने हुए होंगे। हम पहली दफा वारदात कर रहे हैं क्या? ये बात तो आप सही कह रहे हो, हम पहली दफा तो वारदात कर नहीं रहे। इसका मतलब है मजीद भाई के साथ डकैती हम करेंगे और इल्जाम नामालूम अफराद पर आएगा। समझ गया मोहसिन भाई, समझ गया। वाह, क्या प्लानिंग है आपकी। और मजीद भाई को रास्ते में गन पॉइंट पर रोक के उनसे 10 लाख रुपए छीन लिए। सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर होता है कि अब्दुल मजीद ने बगैर किसी मजाहमत के पूरी रकम तुम्हारे हवाले कर दी थी, फिर तुमने उसे कत्ल क्यों किया? जैसा मैंने हेलमेट तो पहन के रखा हुआ था, लेकिन मजीद भाई ने मुझे मेरी आवाज से पहचान लिया। ये नहीं, जो 10 लाख रुपए लेकर निकला है ना वो निकल। हाँ? अच्छा 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 भाई, अच्छा 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 भाई। मोहसिन, तुम इसका मतलब है कि दुकान पर डकैती और भत्ते की पर्ची का ड्रामा भी तुमने खुद रचाया था? जैसा भत्ते की पर्ची और जनरल स्टोर पर फायरिंग का ड्रामा मैंने खुद किया था। मुल्ज़िम जमील, क्या तुम भी मोहसिन के साथ इस वारदात में बराबर के शरीक हो? जी सर, मैं एतराफ करता हूँ कि मैं मोहसिन के साथ तमाम जराइम में बराबर का शरीक रहा हूँ। मैं तो सर गरीब था और मैं मुलाजमत करता था, इसने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे ये तमाम जराइम करने पड़े। दोनों मुल्ज़िमान के एतराफ़ जुर्म के बाद ये अदालत हुक्म देती है कि मुल्ज़िम मोहसिन और मुल्ज़िम जमील के खिलाफ डकैती और कत्ल अम्द की दफात के तहत मुकदमा कायम किया जाए, जबकि यह अदालत मुल्ज़िम वसीम और मुल्ज़िम वकास को इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है।
अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।